कुछ टाइम पहले हमने HyperOS का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया था Redmi Note 10 Pro डिवाइस के लिए, एंड यहाँ पर हमने वन ऑफ द बेस्ट MIUI 14 का जो रॉम है इंस्टॉल किया है। इस रॉम के साथ जो है काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस बढ़िया है, यहाँ पर बैटरी बैकअप के साथ भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, इवन जो रैम मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर MIUI Global 14.0.2 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है। ये जो रॉम है तो Android 13 के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। यहाँ पर नवंबर 2023 का जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा 4.14 कर्नल के साथ। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MIUI 14 TRM MIUI TR 3.0 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, एंड HyperOS का जो रिव्यू वीडियो है उसे चेकआउट करने के लिए आप सिंपली Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे तो यहाँ पर MIUI 14 के साथ जितने भी फीचर्स है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, एंड सभी जो ऑप्शन है यहाँ पर काम कर जाएगा, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते डायलर के बारे में, तो यहाँ पर MIUI डायलर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप जो कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे विदाउट अनाउंसमेंट, तो यहाँ पर MIUI डायलर देखने को मिलेगा। MIUI मैसेजिंग एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर भी अवेलेबल है, आपको अलग से जो है जी एप्स को फ्लैश नहीं करना होगा। प्लस यहाँ पर MIUI कैमरा एप्लीकेशन को भी ऐड किया गया है, अल्ट्रा वाइड लेंस काम कर जाएगा, 1x 2x का ऑप्शन है। यहाँ पर HDR मोड काम कर रहा है ऑटो ऑन ऑफ का फीचर से, AI कैमरा का जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा, मैक्रो मोड को ऐड किया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जो स्टेबलेशन का ऑप्शन है 4K 30fps के साथ वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, सुपर मैक्रो मोड काम कर जाएगा, प्रो मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर वाइड वैलेंस, फोकस, शटर, ISO ये सभी को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड के साथ भी यहाँ पर ब्लर को एडजस्ट करने का ऑप्शन है, नाइट मोड का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर 64 मेगापिक्सल शॉर्ट वीडियो, पैरानोमा ब्लॉग, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल वीडियो का जो फीचर से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन के साथ सभी जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा। एंड कुछ इस तरह से फोल्डर की अगर बात करें तो यहाँ पर एडिट फोल्डर का ऑप्शन है, पर एनलार्ज फोल्डर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, सभी विजेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लॉक विजेट्स का जो फीचर से काम कर जाएगा, वेदर विजेट्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, FM रेडियो का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, सिंपली यहाँ पर हेडफोन को कनेक्ट करके आप जो है FM रेडियो को भी यूज कर सकते हो। बाकी ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है काफी सही देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर ऐप ओपनिंग एनिमेशन, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन भी काफी स्मूथ है। कंट्रोल सेंटर के साथ भी कोई भी लैग देखने को नहीं मिलता है, कुछ इस तरह से कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी सही है। एंड यहाँ पर हमने कुछ बेंचमार्किंग एप्लीकेशन को भी रन किया था इस रॉम के साथ, यहाँ पर 3D मार्क के साथ जो है वाइल्ड लाइफ के साथ 1116 का जो स्कोर है देखने को मिल गया है। तो यहाँ पर Redmi Note 10 Pro डिवाइस के साथ कुछ इस तरह से स्कोर देखने को मिलेगा। यहाँ पर Geekbench 5.5.1 के साथ सिंगल कोर के साथ 565, मल्टी कोर के साथ जो है 1753 का स्कोर है। यहाँ पर सिंगल कोर एंड मल्टी कोर के साथ काफी बढ़िया स्कोर है, देख सकते हो यहाँ पर एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिल गया है सिंगल कोर के साथ, एंड यहाँ पर मल्टी कोर का जो स्कोर है एवरेज से काफी ज्यादा है। यहाँ पर Geekbench 6.2.2 के साथ जो है सिंगल कोर के साथ 746, मल्टी कोर के साथ 1876 का स्कोर है। प्लस यहाँ पर सिंगल कोर का जो स्कोर है एवरेज से ज्यादा है, इवन मल्टी कोर के साथ भी एवरेज से ज्यादा स्कोर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर Geekbench 6.2, Geekbench 5 एंड 3D मार्क सभी के साथ जो है परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको बताया है MIUI 14 के साथ Redmi Note 10 Pro डिवाइस के ऊपर ये जो अपडेट है, ये जो रॉम है काफी बढ़िया परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव बैटरी बैकअप को प्रोवाइड करता है। कैमरा टू एपआई की अगर बात करें तो यहाँ पर लेवल 3 का सपोर्ट है, यहाँ पर गूगल कैमरा काम कर जाएगा, जीकैम यहाँ पर काम कर जाएगा। हमने यहाँ पर रिसेंटली जीकैम 9.2 का जो लेटेस्ट अपडेट है उसका रिव्यू वीडियो अपलोड किया है, आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर कुछ इस तरह से वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर जाएगा। सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर जो सिस्टम एप्लीकेशन है उसे यहाँ पर रिमूव करने का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो होम स्क्रीन से जो शॉर्टकट है उसे
रिमूव करने का जो फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी यहाँ पर MIUI ग्लोबल स्टेबल का जो सभी जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यहाँ पर वाईफाई काम कर जाएगा, मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है, 4G 4G+ काम कर जाएगा, कॉलिंग के साथ भी हमने कोई भी इशू को नोटिस नहीं किया है, वो वाईफाई एंड वॉल्टी भी यहाँ पर काम कर रहा है, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो फीचर से ऐड किया गया है एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एनेबल करने के बाद भी आपको ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन इफेक्ट का ऑप्शन है, राइज टू वेकअप का ऑप्शन है, डबल टैप टू वेकअप का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के साथ जो है मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड लो ब्राइटनेस के साथ भी कोई भी इशू नहीं है। सनसेट मोड का जो ऑप्शन है, सनलाइट मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, इसके लिए पर हाई ब्राइटनेस मोड का जो फीचर से काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है एंड यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन के साथ भी हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है साउंड इफेक्ट के साथ जो है पर डॉल्बी एटमॉस का जो सपोर्ट है ऐड किया गया है, हाईफाई ऑडियो का ऑप्शन है, इक्वलाइजर का जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन है, साइलेंस का ऑप्शन है, यहाँ पर कंट्रोल नोटिफिकेशन साउंड का ऑप्शन है, साउंड असिस्टेंट का फीचर है, यहाँ पर स्पीकर साउंड को अलाउ कर सकते हो, मल्टीपल ऑडियो सोर्स का ऑप्शन है, एडजस्ट मीडिया साउंड इन मल्टीपल एप्स का जो फीचर से यहाँ पर ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर होम स्क्रीन के साथ जो है एनिमेशन स्पीड का ऑप्शन है, यहाँ पर बटन एंड गेस्चर्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर आइकॉन साइज को एडजस्ट कर सकते हो, होम स्क्रीन लेआउट का ऑप्शन है, ग्लोबल आइकॉन एनिमेशन का जो फीचर से यहाँ पर काम कर जाएगा एंड यहाँ पर फेस अनलॉक एंड फिंगरप्रिंट सेंसर का जो फीचर से ऐड किया गया है। यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर जो है काफ़ी फास्ट है, बहुत ही फास्ट डिवाइस जो है यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहाँ पर सेफ बैटरी बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड का जो फीचर से ऐड किया गया है, प्लस कितने टाइम अपने डिवाइस को चार्ज किया है वो भी देख सकते हो एंड बैटरी टेम्परेचर का ऑप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है सच में काफ़ी बढ़िया है, बैटरी ड्रेन भी हमने काफ़ी कम नोटिस किया है, लगभग ओवरनाइट 3% के आसपास बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है एंड यहाँ पर 120 हर्ट्ज के साथ जो है लगभग अगर आप एक हैवी यूजर हो तो आपको यहाँ पर 7 आवर के आसपास जो स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर, जो कि काफ़ी सही है। एंड यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन है, फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, गेम ड्राइवर मोड काम कर जाएगा, मेमोरी एक्सटेंशन का जो फीचर से ऐड किया गया है, 2GB 4GB 6GB तक जो है वर्चुअल रैम को इंक्रीज करने का जो फीचर से काम करेगा। यहाँ पर जो है वीडियो टूल बॉक्स का जो फीचर से यहाँ पर ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर गेम ड्राइवर मोड भी काम कर जाएगा, वॉइस चेंजर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर ये जो MIUI 14 का जो अपडेट है अब डेफिनेटली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ट्राई करके देखो, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा सच में काफ़ी बढ़िया है एंड कोई भी मेजर इशू को हमने यहाँ पर नोटिस नहीं किया है। इस रॉम को फ्लैश करने के दौरान आपको सिंपली यहाँ पर क्लीन फ्लैश करना होगा एंड यहाँ पर कनेक्टिविटी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, बैटरी बैकअप के साथ, इवन रैम मैनेजमेंट के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सच में यहाँ पर रैम मैनेजमेंट के साथ जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है MIUI 14 के साथ काफ़ी सही है, कोई भी लैग कोई भी हैंग को हमने नोटिस नहीं किया है। यहाँ पर स्क्रॉलिंग एनिमेशन हो जाए, UI जो हो जाए काफ़ी बढ़िया रेस्पॉन्सिव है, काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, स्मूथ UI देखने को मिल जाएगा एंड कुछ इस तरह से यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के साथ ब्लर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इवन कंट्रोल सेंटर के साथ भी ब्लर का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर हमने कोई भी लैग को नोटिस नहीं किया है। बाकी यहाँ पर MIUI 14 के साथ सभी जो विजेट्स का जो फीचर्स है देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर गैलरी के साथ जो है अलग अलग ऑप्शन को ऐड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स का ऑप्शन है, स्काई फिल्टर एंड यहाँ पर ईरेस का जो फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर ये जो रॉम है दोस्तों MIUI 14 ग्लोबल स्टेबल रॉम है, तो यहाँ पर सभी जो फीचर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सपीरियंस आपको बढ़िया देखने को मिलेगा एंड डेफिनेटली MIUI 14 का जो अपडेट है, बेसिकली इस अपडेट के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है सच में काफ़ी सही है, वन ऑफ द बेस्ट स्टेबल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा MIUI 14 के साथ। बाकी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MIUI 14.0.2 का जो है डाउनलोड लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यहाँ पर Redmi Note 10 Pro का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाके HyperOS का जो रिव्यू वीडियो है उसे भी चेकआउट करके देखो।